28 मई का दिन पूरे ही देशवासियों के लिए काफी ज्यादा खास बन चुका है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। और इस खास मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को उन्होंने शानदार तोहफा दिया है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2020 में 10 सितंबर के दिन नए संसद भवन के निर्माण के लिए इसका शिलान्यास किया गया था और आज 28 मई के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री दिल खोलकर अपनी बात रखने वाले हैं, लेकिन इसी बीच यहाँ पर पूरे ही विधि विधान से उन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ किया और लोकसभा अध्यक्ष को एक शानदार तोहफा सौंप दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस तोहफे के बारे में जो काफी ज्यादा कीमती है और ये है पवित्र राजदंड सेंगोल। जी हाँ, सेंगोल को सौंप दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष को। दरअसल आपको बता दें कि सेंगोल को स्थापित किया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की कुर्सी के पास ही। हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे वो तमाम तस्वीरें और इन तस्वीरों से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है सेंगोल जो सोने का बना हुआ है और ये सेंगोल उनकी कुर्सी के पास स्थापित कर दिया है। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से जिम्मेदारियां अब और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं ओम बिरला जी की। जानकारी दे दें कि सेंगोल की स्थापना को लेकर अब यहाँ पर तमाम खुलासे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने सेंगोल की स्थापना फिलहाल तो नए संसद भवन में कर दी है। पूरे ही विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया गया। सेंगोल इतिहास चौल वंश से जुड़ा हुआ है और इसे सत्ता के हस्तांतरण से समय वर्तमान राजा होने वाले राजा को सौंप देता था। इस सेंगोल को सत्ता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है और ये इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये छड़ी के आकार का है, सोने का बना हुआ है। वर्तमान समय में ये इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था, लेकिन अब ये स्पीकर की सीट के पास रखा हुआ नजर आएगा, जिससे ये लोगों की आस्था का प्रतीक होगा और ये लोकतंत्र को बढ़ावा देगा। भारत की आजादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू जी को इसे विधि के साथ सौंपा था और सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बनाया गया था। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इस उत्साह के मौके पर, इस खुशी के माहौल में लोकसभा अध्यक्ष भी अपनी खुशी को जाहिर करते हुए नजर आए। उनका कहना रहा है, ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया है, वह लिखते हैं, संसद के नए भवन का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से लोकार्पण पढ़ हमारे लोकतांत्रिक इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण है। लोकतंत्र का ये नया मंदिर एकता, अखंडता, समता, न्याय और बंधुत्व की भावना को सशक्त करते हुए हम सभी के लिए देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रेरणा बना रहेगा। तो फिलहाल देखा जाए, यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी और साथ ही साथ उन्होंने तस्वीरों को साझा किया है। यहाँ पर सेंगोल की जिस तरीके से स्थापना की गई है, सेंगोल को उनकी कुर्सी के पास स्थापित किया गया है, सोने का बना हुआ है और इसकी आकृति भी हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। तो सेंगोल उन्हें सौंप दिया गया है और ऐसे में देखा जाए बेहद बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल चुकी है और अब सेंगोल की उन्हें रक्षा करनी है। साथ ही साथ यहां पर सेंगोल आस्था का प्रतीक बना रहेगा लोकतंत्र में और ये यहां पर उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं माना जा सकता है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।